उस समय 29/8/2001 को सवर्णों के आरक्षण की बात हमने लोकसभा के अंदर उठाई थी। पूरी बात हो जाए, जब हमने गरीब सवर्णों के आरक्षण की बात उठाई सदन के अंदर, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी इस प्रश्न का जवाब देने को तैयार नहीं हुए। तब मैंने ये कहा सदन के अंदर कि ऐसा लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी सवर्ण वर्ग के हैं, इसलिए इसका जवाब देना नहीं। उनके दिल और दिमाग में क्या बात गई, क्या हुआ, वो खड़े हुए और खड़े होने के बाद उन्होंने सदन में जवाब दिया। इस बात का हम प्रमाण अभी आपको देंगे और इसका वीडियो जो वायरल करना मेरे को वो साफ सुथरा नहीं था, हो सकता कि शाम तक में तैयार हो जाए, तो ये मैं हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में, संसद में आजादी के बाद से मैं पहला सांसद सदस्य था जिसने गरीब सवर्णों की आरक्षण की बात इस देश के अंदर लोकसभा के अंदर उठाई है। इसलिए मुझे किसी बात का भय नहीं है। तुम तो कुछ सैकड़ों में हो, हजारों में हो, अगर लाख की भीड़ आ जाए तो भी हम अपना जवाब दे सकते, क्योंकि मेरा ईमान साफ है। हमने पार्लियामेंट मेंबर की हैसियत से हर आदमी की आवाज उठाई है और उसके साथ साथ गरीब सवर्णों के आरक्षण की भी बात उठाई है। और मैं ये सौभाग्यशाली था कि मेरे प्रश्न में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सदन में खड़े होकर जवाब दिया। अब मैं आपको ये पढ़ के सुना रहा हूं। कॉपी दे रहा हूं सब। ऐसा मैं सांसद, मेरे जमाने में इस तरह का कोई कानून नहीं बना है। गलत बात मत बोलना, सोच के बोलो, विचार करके और तथ्यों। अभी तो मैं मेंबर ही नहीं हूं, राहुल गांधी थे, 48 में तो हमारी संख्या है। पार्लियामेंट में बिल लाने की जवाबदारी किसकी होती है? सत्ता पक्ष की। सत्ता पक्ष ले आया क्या? हमने कोई मांग किया था क्या? अरे हम 46 तो है ही है। गलत बात सुन लो, पहले बात सुन लो। 2001 में हमारी कांग्रेस पार्टी ने मांग उठाई है, आप आज की बात कर रहे हो, इसको पढ़ो। और अगर मैं कोई गलत हूँ तो जो वर्तमान सरकार है या बीजेपी के वो लोगों से बोलो कि हमारे खिलाफ मामला, चलिए पढ़ो। इसमें देखो अटल जी का जवाब भी है। मुझे मालूम नहीं था कि आप लोग आने वाले हो, नहीं तो मैं बड़ी संख्या में ये रहता। अच्छा एक मिनट, अगर इतना धैर्य नहीं रखोगे तो लड़ाई लड़ पाओगे? ये शंका का विषय है। अरे सबसे बड़ा साक्ष्य क्या है? कोई माई कमाल पार्लियामेंट में अगर इस देश के अंदर उठाया हो, मेरा चैलेंज है, मेरा दावा है कि मैं पहला सांसद सदस्य जी ने सवर्ण उद्यान रक्षण की बात हम जो मैंने बोला है 2001 में, उसके समर्थन में हम आज भी खड़े हैं पूरी ताकत के साथ। अब एक सुन लो,
मैंने जो प्रश्न किया उसको पढ़ के सुनो, दो मिनट लगेगा। श्री सुंदर लाल तिवारी रीवा, एक मिनट सुन लो, अध्यक्ष महोदय मेरा मूल प्रश्न से हटकर प्रश्न है, लेकिन आपकी इजाजत इसलिए चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री या सदन में उपस्थित है। पहला प्रश्न आरक्षण पर था, तब स्पीकर बोले, मिस्टर स्पीकर यू हैव टू आस्क सप्लीमेंट्री विद इन द फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो इसकी हिंदी आगे बताएंगे। फिर मैंने प्रश्न पूछा, सुंदर लाल तिवारी यह प्रश्न आज समूचे देश के सामने है, यह बहुत अच्छी बात है कि हरजनों और आदिवासियों को आरक्षण दिया गया और संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उसका आदर किया और गरीब तबके के लोगों को आरक्षण दिया। इस देश में सवर्ण वर्ग के भी गरीब लोग रहते हैं जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है। आजादी के बाद से निरंतर आज तक वे सवर्ण वर्ग के जरूर हैं, लेकिन वो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं और आज भी गरीब हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो सवर्ण वर्ग के लोग हैं, सवर्ण वर्ग के लोग हैं, उनके लिए भी आरक्षण की कोई व्यवस्था करने के बारे में आप विचार कर रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। यदि नहीं तो क्यों? फिर आगे देखिए, इससे सामाजिक समरसता में भविष्य में कोई गड़बड़ी न आए। सामाजिक समरसता की बात जो आ रही है, जो आज खड़ी हो गई, ये बात हमने 2001 में उठाया था कि सामाजिक समरसता समाज में बनी रहे, समरसता, इससे सामाजिक समरसता में भविष्य में कोई गड़बड़ी न आए, कोई मन मुटाव पैदा न हो, इसे ध्यान में रखते हुए इस बात की व्यवस्था की जाए कि सवर्ण वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को समाज में स्थान मिल सके। फिर कुछ आपत्ति आई, स्पीकर ने किया। फिर मैंने कहा, सुंदरलाल तिवारी मेरा सीधा प्रश्न है, प्रधानमंत्री या सदन में उपस्थित है, ये एक महत्वपूर्ण मामला है। अब अटल जी ने जो जवाब दिया वो पढ़ के हम आपको सुना रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी अध्यक्ष महोदय, आरक्षण का आधार या कसौटी आर्थिक है। सामाजिक भेदभाव के कारण जो वर्ग वंचित है, दलित है, वह दूसरे लोगों के बराबर थोड़े समय में समकक्ष आ जाए, इस दृष्टि से आरक्षण की नीति बनी है। इस तरह की मांग जरूर हो रही है कि आरक्षण का आधार निर्धनता चाहिए। जो भी निर्धन हो, चाहे वो किसी जात का हो, किसी भी वर्ग का हो, वह आरक्षण का अधिकारी होना चाहिए, लेकिन यह नीति अभी सरकार ने स्वीकार नहीं की है। ये प्रधानमंत्री जी ने सदन में जवाब दिया था। आप बताइए किस बात के लिए तुम नारा लगा रहे हो? मेरे अरे जिंदाबाद बोलो, रीवा का हमने सम्मान बढ़ाया है, रीवा की धरती से एक मिनट सुनो, तुम्हारे रीवा की माटी में वो ताकत थी। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो मट्टी हूँ, इसी यही का मट्टी हूँ। तुम लोगों ने मुझे लोकसभा में चुन के यहां से भेजा और 17 साल पहले मुझे ये महक मिल गई थी कि अगर सवर्ण के गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा तो समरसता इस देश की बिगड़ेगी, और जिसकी तस्वीर आज समूचा देश देख रहा है और सत्ता में बैठे समझ गया। और बार बार ये आवाज उठाया मैंने, एक बार और मैंने उठाया था। मैं एक सवाल करना चाहता हूं, वर्तमान में जो हमारी सरकार, चाहे मध्य प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो, विभिन्न तरह के कानूनों का ये विरोध करते हैं, कहते हैं कि कांग्रेस ने गलत गलत कानून बनाए हैं, कहीं अल्पसंख्यक का विरोध करके वोट लेते हैं, कहते अल्पसंख्यक खराब है,
क्या हमारा श्रवण वर्ग अल्पसंख्यक है? नहीं है ना। वोट तो ये गंदगी पैदा करके लेते हैं, अल्पसंख्यक के खिलाफ वोट बात करते हैं और कदम किसके खिलाफ उठाते हैं? श्रवण और पिछड़ा वर्ग जो इस देश का है उसके खिलाफ ये कदम उठाते हैं। ये बात गहरी है मित्रों, आज करने लायक बात आज समय नहीं है। आप लोग किसी उद्देश्य से सड़क में आए हो, आप कोई लक्ष्य लेके सड़क में आए हो और उसकी पूर्ति चाहते हो। मैंने तो इसलिए आपको बुलवाया कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ जिले के अंदर, प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, चाहे जितनी बड़ी भीड़ हो, मैं वहां खड़ा हो सकता हूं क्योंकि हमने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है, इसलिए मुझे कोई डर नहीं। प्रधानमंत्री जी आज सदन में उपस्थित है और पहला प्रश्न जो था रखने पर बात करेंगे तो आपकी इतने मानव मदद नहीं है जिसको प्रश्न के बारे में बातचीत नहीं हो सकती। ये प्रश्न समूचे देश के सामने है। ये बहुत अच्छा है कि हर जगह आदिवासियों को आरक्षण दिया गया, हमारे संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उसका आदर किया और गरीब तबके के लोगों का आरक्षण दिया। हमारा प्रश्न ये अध्यक्ष महोदय कि इस देश में सवर्ण वर्ग के भी गरीब लोग इस देश में रह रहे हैं जिनकी स्थिति अच्छी नहीं, आजादी से निरंतर आज तक वो सवर्ण वर्ग के गरीब है लेकिन गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं, आज भी वो गरीब है और आजादी से निरंतर आज तक वो गरीब है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री से एक दूसरे ये जानना चाहता हूं कि क्या गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो सवर्ण वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी आरक्षण की पूरी व्यवस्था के बारे में आप विचार कर रहे हैं क्या? और यदि नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं? इससे सामाजिक समरसता में भविष्य में कोई गैदरी आए, कोई मनमुटाव न पैदा हो, इसको ध्यान में रखते हुए इस बात की भी व्यवस्था की जाए कि सवर्ण वर्ग के जो गरीब रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं उनको भी संविधान में निर्देशन दिया जाए। अगर वो डिफेंस का यूनिवर्सिटी कर रहा है मानी अगर जो एक माननीय सदस्य ने चिंता की रखा है अपने आप में फौज में आरक्षण से कहां जुड़ता है आप निर्णय कर दीजिए। वो कहीं जुड़ता है यही तो जुड़ता नहीं प्रधानमंत्री मेरा सीधा सत्ता है बहुत बड़ा मामला है। सामाजिक भेदभाव के कारण ये वंचित हैं और दलित हैं, ये औरों के बराबर थोड़े समय में हम तक ताजा इस दृष्टि से आरक्षण की नीति बनी है। इस तरह की मांग जरूर हो रही है कि आरक्षण का आधार निर्भरता होना चाहिए, जो भी निर्भर हो उसे किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, यह आरक्षण का अधिकारी होना चाहिए। लेकिन ये नीति अभी सरकार ने स्वीकार नहीं की।